हनुमान बेनीवाल के घर के बाहर काफी लोग यहाँ नींबू पानी और चाय पानी जो व्यवस्था कर रखी है बेनीवाल साहब ने, उनका लुत्फ उठा रहे हैं और अंदर काफी भीड़ है, जमावड़ा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार अपनी बढ़त है वो बढ़ा रहे हैं। 11,000 से 16,000, 16,000 से अब 21,000 वोटों के आसपास की लीड चल रही है और जनता के मन में हनुमान के प्रति जो प्रेम है वो खूब यहाँ देखने को मिल रहा है। कुछ हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करेंगे, युवा जिन्होंने, जिनको आगे की नागौर की राजनीति देखनी है और हनुमान का खूब सहयोग करने में युवाओं की भूमिका सर्वोपरि रही है। राम राम सर। राम राम साहब। कट रहा हो क्यों सर? विधानसभा तो नेताजी के प्रति प्रेम कथा साल हो नागौर माने जद नेताजी पहली बार खड़ा हुआ 2003 तब से 20 साल से। 20 साल। हाँ तो क्यों सर किताब वोट आ गए जी? क्यों सर कम से कम 20,000 वोट। तो कितना वोट जीत माना नेताजी ने? 50,000। 50,000 जीत जाएंगे? हाँ 50,000 बढ़त। तो बठू अब मकराना 7,000 वोट ला रहा है सुन रहे हैं, तो वो एक इलाको थोड़ो कमजोर रियो हनुमान जी को कोई विशेष कारण भी? सर मैं वैसे डीरोना तहसील से हूँ और डीरोना में हनुमान जी बेनीवाल के अच्छी लीड है और कम से कम 50 से 60 हज़ार से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप कहाँ के? मैं हूँ क्यों से विधानसभा डुकियों की ढाणी, लास्ट कश्मीर का टुकड़ा, वहाँ से हूँ। हाँ जी अखाणू तो मकालो गाँव कलकत्ता को टुकड़ो भी कश्मीर को टुकड़ा क्यों से रखा क्यों कश्मीर टुकड़ो जी डुकियों की ढाणी बटा गाँव बहुत तेज है मामलो 51,000 हूँ सीख देसियाँ इन कम देवा कौन पक्को 51,000 को पक्को 51,000 मायरू करा क्यों माई परेशान है मायरू भर भर अब हाथ जोड़ मायरू भर दियो 51,000 हूँ नहीं आएगी 31,000 से नेताजी ने बढ़त बना ली है। 31,000 की बढ़त हो चुकी है और अब ये जनता का कहना है कि अब ज्योति मिर्दा वापस मुड़कर के नागौर नहीं आएगी यदि इस बार 51,000 का मायरा पक्का हो गया तो भाई साहब लोकल जी की राजनीति चले जातिवाद के पर बात करना मुस्लिम वोटर को मिले और राजपूत वोट को मिले कहीं लगे नहीं नहीं सब वोट दिए थे इसलिए तो वोट इतने आए थे बस पास खड़े हुए थे जी सर 15,000 वोट लिए हैं उसका फर्क पड़ा हनुमान जी को फायदा उसका फर्क पड़ा ना फायदा बिल्कुल फायदा होगा जितने भी वोट मिले समाज के वोट मिले उन सबको यूनिस खान का रुख यूनिस खान न्यूट्रल थे इस चुनाव में तो उनका उनके मत कहाँ गए उनका मत पूरे इधर डाइवर्ट हो गए थे गठबंधन कांग्रेस और आरएलपी गठबंधन नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेंगे क्योंकि जातिवादी की राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी तो वोट पड़ना नामुमकिन है। डीडवाना खींवसर नागौर की तमाम अच्छी बातें हैं वो इन युवाओं ने बताई और जितनी बताई है उतनी फैक्ट बताई है और हमारे चैनल का नाम भी फैक्ट अंतर है। राम राम साहब जय हिंद जय भारत देखते रहिए फैक्ट अंतर हनुमान बेनीवाल के नारे यहाँ पर लगते हुए हनुमान के प्रति जो प्रेम है वो नागौर की जनता में खूब देखने को मिल रहा है।